एक्सेल में यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप करूंगा तो ऑटोमेटिक हमारा बॉर्डर आ जाना चाहिए, यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले आपको जितना भी रेंज है सेलेक्ट कर लेना, या तो ऊपर से करेंगे तो सभी सेलेक्ट हो जाएगा, या तो मैं एग्जाम्पल के लिए ये इतना सा करता हूँ। और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इस पे जाना है, न्यू रूल पे क्लिक कर देना है। जैसे हम न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, ये वाले सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे। और इसमें हम ये फॉर्मेटिंग है, इसमें कर्सर रख के पहले वाले को सेलेक्ट कर देंगे और इसमें से $2 है ना, उस दोनों डॉलर को इरेज का हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। और फिर इस तरफ यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब नॉन इक्वल, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन कर देंगे, और डबल कोट्स के अंदर ब्लैंक ही रहने देना है, इतना सा आपको कर देना है। फिर फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको आउटलाइन पे जाना है, और आउटलाइन यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करके आउटलाइन पे क्लिक करके ओके कर देना है, और फिर से यहाँ पे ओके कर देना है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूंगा तो यहाँ पे है ना, जैसे कि बॉर्डर लाइन आ रहा है, देखो कुछ भी टाइप करूँ तो यहाँ पे बॉर्डर लाइन ऑटोमेटिक आना शुरू हो गया है, जहां पे आप करोगे वहां पे बॉर्डर लाइन स्टार्ट हो जाएगा।